आईपीएल शुरू होते ही सटोरियों ने अपने धंधे के पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये सटोरिये लोगों को ठग पाते इससे पहले ही खाकी वर्दी के लंबे हाथ इन तक पहुंच गए। पुलिस ने दो युवकों को 10 लाख की सट्टा पर्चियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने सटोरियों की धरपकड़ के निर्देश दिए थे। खासतौर पर पुलिस आईपीएल पर सट्टा खिलाने वालों पर शिकंजा कस रही है। इस कार्रवाई में पुलिस ने बड़े स्तर पर सट्टा खिलाने वाले दो युवकों को 10 लाख की सट्टा पर्चियों के साथ गिरफ्तार किया है। आईपीएल सीजन शुरू होते ही छत्तीसगढ़ जगदलपुर में सट्टा व्यापार भी चरम सीमा पर है, लेकिन शहर की पुलिस भी इन्हें दबोचने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आईपीएल के सटोरियों को पकड़ने के लिए एक बड़ी कामयाबी के बाद दूसरी कामयाबी भी कोतवाली पुलिस को मिली। मामले की जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने बताया कि शहर में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा का व्यापार फल फूल रहा है। लगातार जानकारी मिल रही थी कि शहर में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगाया जा रहा है। कोतवाली थाना प्रभारी एम एन साहू के नेतृत्व में टीम द्वारा लगातार पतासाजी कर ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही थी। इस दौरान कल के पंजाब विरुद्ध मुंबई इंडियंस के मैच में हाईटेक सट्टा का काम करने वाले शहर के दो युवक फयाज देवर निवासी इंद्रावाड एवं सन्नी साव निवासी प्रतापगंज पारा को गिरफ्तार किया गया। इन दो लोगों से 20,000 रुपये नगद एवं 4 मोबाइल सहित 10 लाख से अधिक की सट्टा पर्ची बरामद की गई। ये दोनों युवक मोबाइल ऐप के माध्यम से आईपीएल में सट्टे का व्यापार कर रहे थे। दोनों को 4A एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत है, जहाँ कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग जो है धर्मपुरा क्षेत्र में जो है कल जो आईपीएल का मैच चल रहा था पंजाब और मुंबई के मध्य, इसमें रुपए पैसे का दाव लगाकर जो है सट्टा पट्टी का लेखन कर रहे हैं। और इस सूचना पर एमन साहू थाना प्रभारी कोतवाली की जो टीम है मौके पर रवाना हुई थी, और दर्शित स्थल पर जो है कोतवाली की टीम के द्वारा जो है रेड कार्यवाही किया गया है। और इस जो है रेड कार्यवाही के दौरान दो संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति पाए गए, सन्नी साव जो बालाजी वार्ड के निवासी हैं और फयाज ढेबर जो मोती तालाब पारा क्षेत्र के निवासी हैं, और इनके पास से जो है 4 नग मोबाइल और 20,200 रुपये नकदी जो है मौके पर बरामद किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट with focus on creating industry ready professionals. Join India's premier skill based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।